मजा आ गई। लोनावला तो मैं समथिंग किलोमीटर्स बाकी है, ये लोकेशन एक बार देखो आप लोग पे बाइक है तो ऐसी आ गई। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू पैमीज लाइफ स्टाइल, आई होप सब ठीक ही होंगे। हैशटैग अलग से तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि कहीं पे जाते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मैं घर पे बैठे बोर हो रहा था तो मन में ऐसी एक जगह का नाम याद आया लोनावला, तो मैंने सोचा चलो निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ट्रेन से कार से ऐसे किसी चीज़ से नहीं, हम लोग सीधा जा रहे हैं स्कूटी से एंड 92-95 समथिंग कुछ किलोमीटर्स है तो 2 घंटे का कुछ ट्रैवल बता रहा है, तो चलो जाएंगे एंड देखो अभी एक्सप्लोर करने का मन किया है तो अभी रात में हम लोग निकल गए, सनराइज तक मेरे हिसाब से पहुंच जाने चाहिए, तो अभी चलो चलते हैं एंड व्लॉग को एंजॉय करना है, एंड तक बने रहना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हम लोग अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा थकान या ऐसा कुछ हो रहा है, बस आराम से आए, एकदम खाली मिला रोड, बस ये टैंकर्स एंड ट्रक्स मिल रही थी, बहुत ज़्यादा आँखों में मिट्टी उड़ा के जाती है, और मैं बैठा हूँ एक ये फ़ोन संभाल के एंड ये एक मेरा दूसरा फ़ोन, तो चलो अभी चलते हैं आगे क्योंकि अभी और भी 50 समथिंग किलोमीटर्स बाकी है, तो चलो निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग खपोली पहुँच चुके हैं एंड अभी यहाँ से 25 किलोमीटर आई थिंक, मतलब अब सीधा हिल टॉप चढ़ना रहेगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा टाइगर पॉइंट पे एंड आप लोग को एक्सप्लोर कराता हूँ। रोड देखो एक बार पूरा खाली है तो एंड ये रही बाइक जिस पे हम लोग आए हैं, बाद में क्या हो गई। अच्छा जाना टाइगर पॉइंट बट ये अभी फ़िलहाल बंद है, तो मैं वो अंदर ऑफिस में भी बात करके आया, उनको मालूम ही नहीं था कि, तो मैं बताया कि बंद है एंड ऑल कि यही वे से जाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ से ही जाना है, तो अभी वो कॉल लगा रहे हैं एंड। सो गाइस ये लोकेशन एक बार देखो आप लोग, लाइक यहाँ पे हवा भी चल रही है एंड बैकग्राउंड आप लोग देखो एक बार, वहाँ पे टाइगर पॉइंट। बाल पे मत जाओ, बाल मत देखो, खराब हो चुके हैं, बस आप लोग व्यू देखो एंड एंजॉय फील करोगे। कैमरा नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझा, इतनी गर्मी में यहाँ पे फॉग होना ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइक यहाँ पे बाइक है एंड आगे के 10 मीटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो गाइस फाइनली 1.5 घंटे के ड्राइविंग के बाद अराउंड 2 घंटे के फाइनली पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे आके तो अलग ही कुछ मौसम हो रखा है, लाइक मेरे बाल देखो एकदम भीग चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी है एंड आप लोग देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, लाइक बाइक खड़ी थी स्कूटी अलग ही मौसम हुआ यहाँ पे नहीं बता सकता एंड ये फील ये अलग ही एक वाइब देता है आप लोगों, अगर आप लोग ऐसा कुछ देखना चाहोगे तो ये टाइम पे ज़रूर आ जाना, मेरे हिसाब से ठंडी में यहाँ पे और ज़्यादा हालत ख़राब होती रहेगी, ये तो फ़िलहाल गर्मी चल रही है एंड ठंडी में तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा, मतलब आई विश डोनट यहाँ पर होती वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती, मेरे हिसाब से सीधा कूद ही जाती थी यहाँ से, वो अलग एक्साइटमेंट में रहती है एंड भी मैं काफ़ी लोगों को मिस कर रहा हूँ, सब यहाँ पे चाय का ऑर्डर दे दिया, लाइक बहुत सा
ज़्यादा सुबह हो गया तो कुछ भी नहीं खुला है, ये आंटी का खुला था तो उन्होंने दे दिया, फिर घर से कुछ स्नैक्स वगैरह लाया था तो फिलहाल हम लोग वही खा रहे हैं। अलग अलग फील, अलग एन्जॉयमेंट। एंड आप लोग मेरा एक बार आउटफिट देखो, ये एक शर्ट एंड ये ब्लैक जींस एंड ब्लैक बूट, कैसे लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को यहाँ के कुछ शॉट्स अभी दिखाता हूँ, पहले मैं चाय पी लूँ क्योंकि ठंडी पड़ रही है। मज़ा आ गई, देखो मेरी स्किन ड्राई होना चालू हो गई है क्योंकि अचानक से मैं गर्मी से डायरेक्टली ठंडी में आ गया तो होता ही है। सो गाइस हम लोग की चाय रेडी हो रही है, अभी मैंने फेस वॉश किया जस्ट, और यहाँ पे कंटिन्यूस हवा चल इस ठंडी में, चाय तो ज़रूर चाहिए। सो गाइस आ गई चाय, ये व्यू, स्नैक्स, ये मैंने पैकेट खोला नहीं अभी तक। एंड ये देखो कितने सारे आ गए लगातार, पीछे पीछे, शांत शांत, 1, 2 एंड 3 सब शांत, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद, बाद में डोनट गुस्सा हो जाएगी तुम पे, डोनट गुस्सा हो जाएगी अगर उसने देख लिया तो। ये वाला सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है सबको, हेलो सब इन लोग में बांट दिया, अब मैं क्या खाऊं, मेले कौन लेके आएगा, मेले कौन लेके आएगा, मेले कौन लेके आएगा। हाँ रैपर भी खा लो तुम, सब पैकेट वैकेट सब लेके चले जाओ, जाओ भाई भाई भाई। गाइज हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि अब मुझे नीचे जाना है क्योंकि यहाँ पे पूरा फॉग जमा है, तो नीचे जाके कुछ फोटोज वीडियो शूट करते अगर हुआ तो। तो अभी तो चलो नीचे चलते हैं। तो हम लोग टाइगर पॉइंट से निकल के अभी हैं सेल्फी पॉइंट पे, यहाँ से व्यू देखो क्या सही लग रहा है, थोड़ा डेंजरस है। गाइस आते वक्त तो कुछ मिला नहीं तो ये यहाँ पर रुक के हमने वड़ा पाव खाया। गाइस मैं हूँ अभी घर पे एंड रिटर्न आते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गई, तो कैसे कैसे आया मैं घर पे एंड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लाइक आप लोग देख के समझ सकते हो क्योंकि कल का पूरा दिन मैंने जो था मेरा काम किया एंड पूरी रात जगा था एंड अभी तक जगा हूँ, अभी 4 बजने वाले तो अभी तक जगा हूँ मैं क्योंकि अब मैं सीधा जाऊँगा सोने। तो निकले रात के 3 बजे एंड सुबह 11 बजे, तो ये कुछ 7-8 में भी घंटे का कुछ हुआ, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, लाइक मज़ा आ गया। एंड वहाँ पे 3 घंटा चिल वगैरह किए तो वीडियोज़ बनाए। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, डोनट से मिला था आपको बट वो अभी खा रही है खाना, तो जब भी उठूँगा तो मैं उससे मिला दूँगा आपको। चलो भाई हेलो, तो फिर ठीक है गाइज आज का ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है। इस ब्लॉग को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देना क्योंकि इस ब्लॉग को थोड़ा सा एफर्ट्स लगा है बनाने में, थोड़ी मेहनत गई है, तो अपने फैमिली ग्रुप सारे दोस्तों को शेयर कर दो। तो ठीक है गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको इसी डोप और हार्ड कॉन्टेंट चाहिए तो आओ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो और ऐसे ही प्यार करते रहो। टिल देन स्टे सेक्सी स्टे अलग से। सो गाइज मीट माई न्यू फ्रेंड, ये भी आलसी है।